हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय बूट ई कॉमर्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का जो हमारा टेक वीडियो का टॉपिक है वो इस हवाले से है कि आज के वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ कि ई कॉमर्स इन पाकिस्तान के ई कॉमर्स पे पाकिस्तान पे जो ई कॉमर्स पे जो वर्क हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है और कैसे हो रहा है और इसकी क्या क्या मेथड है। तो इसके हवाले से मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना क्योंकि मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ ई कॉमर्स के हवाले से, पाकिस्तान में ई कॉमर्स के हवाले से कि इसका क्या क्या प्रोसेस है। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना, और अगर मेरे आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए तो बूट ई कॉमर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। तो चलिए गाइस, बिना देर के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि गाइस, अभी हमने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं, और मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम अपने क्रोम पे चलते हैं, और क्रोम पे आने के बाद मैं आपको पाकिस्तान ई कॉमर्स मार्केट डेटा ट्रेंड्स टॉप स्टोर्स के हवाले से बताने वाला हूँ थोड़े से रिटेल के किस टाइप का होता है कि ई कॉमर्स मार्केट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इज दी 37th लार्जेस्ट मार्केट फॉर ई कॉमर्स विद रेवेन्यू ऑफ US 5.9 बिलियन डॉलर इन 2021, प्लेसिंग इट अहेड ऑफ ईरान एंड बिहाइंड इसराइल। With an increase of 45%, the Pakistani e-commerce market contributed to the worldwide growth rate of 15% in 2021. Just like in Pakistan, global e-commerce sales are expected to increase over the next years as new markets are emerging. Global growth will continue over the next years. This development will be propelled by East and Southeast Asia with their growing middle class and their lagging offline infrastructure. With a yearly growth rate of 7% between 2021 and 2025, Pakistan is even expected to outperform the global average of 6%. Table top online stores. The biggest player in the Pakistani e-commerce market in Limelight .pk. The store had a revenue of US 50 million dollar in 2021. Limelight.pk is followed by GulAhmedShop.com and Khadi.com as the second and third largest stores with 48 million US dollar and 29 million US dollar respectively. Altogether, the top three stores account for 2% of online revenue in Pakistan. Store rankings include every store that generates revenue in Pakistan. These stores can either have a national focus and only sell in their main country or operate on a global scale. For this evaluation, only revenue created in Pakistan was considered. One of the fastest growing stores in the Pakistani market is ordernation.com. The store achieved online net sales of about 1.5 million US dollar in 2021. Its revenue growth amounted to 103% in the previous year. More information on the top 100 online stores in Pakistan can be found in our e-commerce DB country report. उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो है वो Limelight.pk के नाम से, मतलब इनकी जो भी परसेंटेज है या इनका जो भी वर्क है मिलियंस पे। डिजिटल मार्केटिंग मार्केट आउटलुक बाय Statista, the digital market outlook presents up to date figures on markets of the digital economy. The comparable key figures are based on extensive analysis of relevant indicators from the areas of society, economy and technology. इसके बाद हमारे पास ये देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे नॉलेज हैं
लेकिन जो हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ये तो जस्ट इसका परसेंटेज वगैरह के हिसाब से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी कि हम जो वो ई कॉमर्स इन पाकिस्तान के किस तरीके से कॉमर्स है, क्या है और क्या प्रोसेस है। उम्मीद है गाइस मेरी आपको ये बार वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो बूट ई कॉमर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे ई कॉमर्स से रिलेटेड आपको अपनी वीडियोस देता रहता हूँ कि ई कॉमर्स के रिलेटेड आपके सामने टॉपिक्स आते हैं कि ई कॉमर्स पर किस टाइप का वर्क होता है और उसके क्या क्या प्रोसेस है। तो उम्मीद है गाइस मैंने आपको ये बार वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो बूट ई कॉमर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।